नमस्कार, वेलकम टू एकता होम फूड्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये है काले चने। तो आज हम बनाएंगे सूखे काले चने। जैसे कंजकों में नवरात्रि के समय जब काले चने बनते हैं सूखे, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वो उसी तरीके के चने मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाने हैं। तो ये जो चने हैं, ये करीबन 250 ग्राम चने हैं सूखे। इस बाउल में मैंने ये बाउल भर के लिया, जो कि 250 ग्राम चने थे, वो मैंने चौगुना पानी डाल के इसको 5-6 घंटे भिगो दिया और ये इस तरीके के हो गए हैं। अब इसको हमने करना क्या है, इसको हमने बस कुकर में डालना है इन चनों को, और साथ में इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी यानी कि बस इतना ज़्यादा पानी भी ना डालें कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाए पानी, क्योंकि हमको ये रसा वाले नहीं बनाने हैं। तो ये हम ये भीगे हुए चने सारे इसमें डाल देते हैं, और पानी बस इतना डालें कि ये थोड़ा, आप अगर आप चेक करें तो उंगली से, तो अगर चने के ऊपर से इतनी उंगली आपके पानी होगा, तो बस उतना बहुत है। और उसमें हम डाल देंगे नमक 1 चम्मच, 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे, क्योंकि अगर बाद में चाहिए तो हम फिर से डाल सकते हैं, क्योंकि हम रसा वाले नहीं बना रहे हैं। तो ये चने बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना पहले हमको, बाद में भी डाल सकते हैं। बस इसको हम बंद करके कुकर को जो है सीटी दिला लेंगे, 5-6 सीटी इसमें दिला लेंगे पहले। तो पहले मैं इसको सीटी दिला लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये चने मैंने कुकर में उबाल के 3-4 सीटी दिला दिए थे, उसके बाद जब प्रेशर पूरा निकल गया तो ये चने जो है इस तरीके से उबल के तैयार हो गए। अगर इसमें वैसे पानी बचा नहीं है बाय चांस, अगर पानी बचता भी है तो थोड़ा बहुत पानी ठीक है, पर ज्यादा पानी हो तो आप उनको पानी को अलग निकाल लीजिए, और पानी से जो है कुछ भी सूप बना सकते हैं। या आप जब रसा वाले चने बनाने हो, जो कि मैं इस तरह से करूंगी, ये जो 250 ग्राम चने लिए थे इसमें से करीबन थोड़े से मैं इनमें से निकाल के रख दूंगी, जिनको कि मैं रसा वाले बना सकती हूँ। तो ये करीबन 1/4 मैंने निकाल दिए, ये मैं रख दूंगी फ्रिज में, बाद में मैं इसको रसा वाले चने बना लूंगी, ग्रेवी वाले काले चने। तो ये चने अब हमारे पास रेडी है, जिससे कि हम सूखे चने बनाएंगे। इसके लिए सामान हमको क्या चाहिए, सामान हमें चाहिए इसमें से कड़ी पत्ता, अदरक एक बड़ा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का, ये देखिए इतना मैंने काट लिया है, और ये हरी मिर्ची है, 4 हरी मिर्ची, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्ची नहीं डालते हैं, तो इसमें हरी मिर्ची से ही तीखापन आ जाए चाहिए। और ये धनिया है, धनिया आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये जितना मैंने लिया है ये इतने चने के लिए बहुत होगा। और ये कड़ी पत्ता भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, और ये 1 चम्मच चाट मसाला है टेस्ट के लिए, और बाकी जो है हमारी जो स्टैंडर्ड मसालेदानी होती है उसमें से ये जो जीरा है और धनिया पाउडर है, ये मैं यूज करूंगी। नमक मैंने ऑलरेडी चने में डाला है, पर हाँ अगर जरूरत पड़े तो डाल सकते हैं टेस्ट करने के बाद, वरना चाट मसाला भी नमक का काम करता है। तो ये चने में साइड रखती हूँ, और ये जो सामान है इसको हमने मिक्सी में थोड़ा चलाना है। तो ये जितना जो सामान मैंने लिया है इसको मैं मिक्सी में, ये जो धनिया है ये तोड़ करके, धनिया हम डंडी के साथ ले लेंगे, ये सब मैंने धो लिया हुआ है, ये इसमें डाल देंगे। ये कड़ी पत्ते की जो पत्ते खाली निकालेंगे हम इसको, पहले मैं इसमें अदरक डाल देती हूँ ताकि ये प्लेट खाली हो जाएगी मेरे पास। ये अदरक इसमें डाल दिया, अदरक छोटा छोटा कट करके मैंने डाला है, और ये हरी मिर्ची मैंने डाल दी। अदरक भी अच्छी मात्रा में डालते हैं, क्योंकि उसकी जो मसाला है वो अदरक मिर्ची कड़ी पत्ता और धनिया से ही बनता है, और क्योंकि इसमें हमने प्याज टमाटर तो डालने नहीं है, तो ये क्योंकि ये नवरात्रे वाला होता है, इसमें भगवान को चढ़ाते हैं तो उसमें प्याज लहसुन का कोई काम नहीं होता है, अदरक और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते से ही इसका मसाला बनेगा। तो ये चीजें सारी हमने इसमें डाल दी हैं, और इसको मैं जो है अब पीस लेती हूँ। इस मसाले को मैंने थोड़ा सा पीसा है, और मैं इसमें ना जीरा भी इसी में डाल देती हूँ, जीरा 2 चम्मच भर के जीरा इसमें हम ऐड कर देते हैं, और फिर से इसको मैं पीस लेती हूँ, और बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसको दरदरा सा पीसना है। ये देखिए, ये इस तरीके से मसाला मैंने पीसा है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा सा, ये साबुत साबुत भी मतलब कोर्सली जिसे कहते हैं ग्राइंड करना, ये उस तरीके का हमने ग्राइंड किया, ये आप देख सकते हैं किस तरीके का। और अब मैं गैस हीट या जो भी आप यूज करते हैं वो ऑन कर देते हैं, और उसमें मैं ये सरसों का तेल, आई प्रेफर यूजिंग मस्टर्ड ऑयल, सो आई एड मस्टर्ड ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल मैं इसमें डाल दूंगी। तेल थोड़ा सा खुला डालना पड़ता है, क्योंकि हम इसमें पानी वगैरह नहीं डालते हैं, तो थोड़ा तेल से ही उसका मसाला पकड़ता है चने को, तो ये तेल इसमें डालेंगे। जीरा, हालांकि हमने इसमें जीरा डाला है, फिर भी थोड़ा सा जीरा ऊपर से हम डाल सकते हैं, जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम ये इसमें डालेंगे ये वाला मसाला भी जीरे के साथ साथ, और ये चाट मसाला हमने रखा है जो बाद में डालेंगे हम।
जीरा जैसे ही तड़क जाता है तभी हम इसमें ये मसाला डाल देंगे। ये मसाले का जो फ्लेवर होता है ना ये बहुत अच्छा आता है। ये तेल देखिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है ना कि इसमें कम है इस मसाले में, तो ये मैं थोड़ा सा इसमें तेल और डाल देती हूँ क्योंकि मसाला नीचे चिपक रहा है। ये मसाले को बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती, चने डालने के बाद हम इसको थोड़ा पकाते हैं। तो इसमें मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक चम्मच भर के, और एक चम्मच और डाल देती हूँ। धनिया से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें हल्दी वगैरह नहीं डालनी होती है, ये इसी में मैं चने डाल देती हूँ। नमक ऑलरेडी हमारे चने में है, अगर जरूरत लगे तो हम थोड़ा पानी डाल सकते हैं, वो भी जो चने का बचता है ना पानी जो इसमें आपने बॉईल किया था वही पानी थोड़ा यूज करना है। और इसको खूब अच्छे से चला चला के बनाना होता है, खूब देर तक इसको जो है हमको कड़छी से चलाते रहना पड़ता है इसको, क्योंकि ऑलरेडी कुक्ड हैं चने। तो मैं इसमें ये चाट मसाला भी साथ ही में डाल देती हूँ और फिर हम इसको अब अच्छी तरीके से कुक करते रहेंगे चला चला के। चला के मतलब कि चना जो है वो थोड़ा ऑयल में थोड़ा सा फ्राई हो जाना चाहिए, हल्का सा लगे कि हाँ चने अच्छे से रोस्ट हो गए, बिल्कुल तेल में अच्छे से पक गए और मसाला बिल्कुल चने के साथ साथ पूरा लिबट जाना चाहिए उसके साथ, तभी उसका स्वाद अच्छा आता है और ये मसाले का रंग भी चेंज हो जाएगा तभी। क्योंकि हमने लाल मिर्ची भी नहीं डाली ना, ये सब हरा ही मसाला है एक तरीके से। वैसे इस मसाले को आप दूसरी चीजें भी बना सकते हैं इससे, इसी तरह से कुछ आलू बना सकते हैं या पनीर बना सकते हैं। जो लोग लाइक प्याज नहीं लहसुन नहीं खाते हैं तो उनके लिए ये मसाला बहुत अच्छा है और बहुत टेस्टी भी लगता है। ये बस थोड़ी देर में इसको हिला हिला के पकाते रहती हूँ। ये अगर आपको लगे कि थोड़ा इसमें पानी कम लग रहा है, जैसे नीचे ये देखिए थोड़ा चिपक रहे, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे ताकि जो नीचे लगे ना ये मसाला इसका चिपक ना जाए, क्योंकि ये हरा गीला मसाला है ना तो हो सकता है कि नीचे लगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि सारा मसाला निकल के वापस ऊपर आके चनों में लग जाएगा। तो थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं इसलिए, थोड़ा सा मैं शायद और डाल देती हूँ। ये देखिए छोटा सा ग्लास ही लिया है मैंने, इतना ही पानी, बहुत ज्यादा पानी नहीं लिया हुआ है। ये पानी सूख सूख के फिर से वापस सूख जाना चाहिए पर सारा पानी इसमें, और साथ ही में आप उसका नमक भी टेस्ट कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि कम है। वैसे कम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला है और चने में पहले से ही नमक हमने डाल दिया था। ये कुछ देर हमको अच्छे से कम 8 से 10 मिनट तक इसको पकाते रहना पड़ता है, हिलाते हिलाते, तभी ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। मैं थोड़ी देर इसको हिलाती हूँ। ये जब थोड़ा सा कुक हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये मैशर है जिससे कि हम थोड़ा सा इसको चनों को यूं मैश कर देंगे, हल्का सा, बहुत ज्यादा मैश नहीं करना हमको, थोड़े से चनों को हल्के से दबा देंगे तो उसकी जो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है उससे। ये हमेशा हम करते हैं, इससे थोड़े गाढ़े भी हो जाते हैं, वैसे तो गाढ़े ही है सूखे हैं पर इससे, और जो चने के अंदर का सामान होता है ना वो भी बाहर निकल जाता है, थोड़ा इनकी जान निकाल देते हैं हम लोग, और वो भी चने में मिक्स हो जाता है तो उससे और टेस्टी बन जाते हैं ये चने। तो ये देखिए ये चने हमारे हो गए हैं रेडी, देखिए कितना अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा है, धनिए का, कड़ी पत्ते का, अदरक का, और जिन ये हमने जो जीरा डाला है बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है सब, मतलब बाहर तक पता चल जाता है कि आज ऐसे वाले कुछ सूखे चने बने हैं कहीं पे। और कंजकों में तो ये स्पेशली बनाते हैं क्योंकि ये बिना प्याज लहसुन का होता है, तो हलवा, चने, पूड़ी ये तो हमेशा बनता है, और मैं भी साल में 2 बार तो ज़रूर बनाती हूँ ये चने और हलवा पूड़ी, तो उस दिन तो सबकी बहुत मौज हो जाती है मेरे घर में। मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये वाले चने। ये चने अब बन के रेडी हो गए हैं।
ये चने हमने दूसरे बोल में निकाले, ये चने बन के रेडी है। और आप भी ये चने बनाइए, ये पूड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, पराठे के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, खाली रूखे भी ये खाने हो तो एज अ स्नैक भी ये बहुत अच्छे होते हैं। तो आप कभी भी बनाइए नहीं और खाइए, और फिर मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सी यू सून विद सम अदर इंटरेस्टिंग रेसिपी।